दुई महीना पुराने बाइक का सो अब यह भी बेचने रे गाइस कसै तब कि वहाँ कन्ट्याक्ट कर किन्न भित्री एकदम राम्रो छ के पनि भएको छैन एकदम एकैजनाले म त कुदाएको अरूले कुदाएको पनि छैन तो इन दिनों बहुत 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 कुछ हो गया है बहुत कुछ अच्छा हुआ है बहुत कुछ बुरा भी हुआ है मेरे साथ मुझे ना इसका ये एयर फिल्टर ऊपर नहीं मिला था एयर फिल्टर और इसका ये जो चेंज करना आना था जैसे मैं शोरूम पहुंचा तभी मेरा ये जो इंजन पे फ्यूल पंप ना ख़राब हो गया क्लच त टुप्पामा राखेको छ नि हेलो एभ्रीवन सो कैसे आप सब लोग काफ़ी दिनों के बाद में फिर से मोटर व्लॉगिंग पर आप सबसे बातें कर रहा हूँ तो आज का शुरुआत ना शोरूम से हुआ है हीरो के शोरूम से सो एक्चुअली ना इसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया था इसीलिए मैंने दो तीन दिनों से ना मेरा बाइक शोरूम पर पड़ा हुआ था तो इन दिनों बहुत 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 कुछ हो गया है बहुत कुछ अच्छा हुआ है बहुत कुछ बुरा भी हुआ है मेरे साथ सो उसी बात पर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत हेलो एवरीवन नमस्कार खमरी तासी दिले नमस्ते मैसेल सिंचू पेडपचा यू आर वाचिंग TCL ब्लॉग यूट्यूब चैनल सो होप सब सब सही होंगे तो फिलहाल मैं भी सही हूँ तो इसका फ्यूल पम्प ठीक हो गया नया डलवा लिया फ्यूल पम्प तो अभी ये मक्खन की तरह दौड़ रहा है अभी थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ा सा मेरे साथ क्या बोल रहे यार गाइस हर एक के साथ कुछ तो प्रॉब्लम होता है अपने आप की मन के अंदर है वो सब बातें तो होप सो कि ये भी ठीक हो गया इसका ये साइड का ये बना गिर के टूट गया था अभी सब सही है तो लकीली कि ना एक बात हो गया था मैं एक्चुअली ना यहाँ पर मंडे को यहाँ पर आयशर ऑफिस आया हुआ था आयशर ऑफिस आके मुझे ना इसका ये एयर फिल्टर ऊपर नहीं मिला था एयर फिल्टर और इसका ये जो चेंज करना आना था जैसे मैं शोरूम पहुंचा तभी मेरा ये जो इंजन फ्यूल पंप ना ख़राब हो गया तब से बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा लकीली कि मेरा बाइक ना शोरूम तक तो पहुंचा तो मैकेनिक जी बोल रहा था कि मानन जी बोल रहा था कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारा बाइक सीधा शोरूम पर आकर बिक रहा है नहीं तो रास्ते बीच में बिगड़ते तो तुमको टो करके लेकर आना पड़ता तो थैंक गॉड ये बाइक ना साथ तो देते यार जैसे भी हो अगर आप बाइक को ना सही तरीके से केयर करके रखेगा तो आपको दिक्कत नहीं देगा बाइक अगर आप बाइक को ना सही तरीके से नहीं रखेगा तो दिक्कत देगा एक्चुअली ना इसका एक्सपोज में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फ्यूल पम्प बहुत ज़्यादा बिगड़ता है अभी एक भैया जी भी आया था एक ब्रदर भी आया था उसका भी सेम प्रॉब्लम हुआ है आने के बाद उसका भी ख़राब हो गया फ्यूल पम्प सो ये ना ये चीज़ ना हर किसी के साथ हो रहा है तो मैं समझूंगा कि 25,000 किलोमीटर चल के ख़राब होना ठीक ही है मैं कुछ नहीं समझूंगा लेकिन ना एक बात है कि अभी ना मुझे बाइक सेल करना पड़ सकता है नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ मिल गया था आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं आप ले जा सकते हैं ये बाइक तो फिलहाल तो सब कुछ सही है नया नया फ्यूल पम्प डाला हुआ है सब कुछ सही आगे का टायर भी नया है जस्ट पीछे का थोड़ा सा गया हुआ है बाकी तो सब ठीक है इसमें तो अगर आप लेंगे तो मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें इस बाइक में काम करने का तो वो काम सब करवा के आपको दे दूंगा तो आप बिंदास होकर चला सकते हैं ऑफ रोड करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा बाजार बस्ती एरिया में रहता है रास्ता ख़राब है तो ये बाइक सही है आप इसको आराम से चला सकते हैं मुझे सिर्फ ना थोड़ा सा अपग्रेड करना है थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए आप एक होता है ना आप भी तो हर एक चीज़ एक स्टेप बाई स्टेप ही तो करते हैं वैसा भी ना बाइक अगर आप लोग फॉर द बिगिनर्स जो लोग पहला बाइक खरीद रहे हैं आप लोग नए आपके पास पैसा नहीं है या पैसा है आपको कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लूँ या सीधा मैं 300-400 सीसी में जंप करूँ या क्या करूँ तो मेरा एक सजेशन है आप सबको इतना मैं अभी तक 4 साल हो गया बाइक चलाते हुए 4 साल में मैंने सेकेंड हैंड बाइक एक साल चलाया ये 3 साल कम्प्लीट हो रहा है तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि अगर आप लोग ना बाइक चलाते हैं तो
लोअर सीसी से ट्राई करें, आपको ना एक इंजन और एक बाइक का पावर का ना आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। आप सीधा 400 cc में जंप करेगा तो ये 200 cc, 180, 155 cc का ना इंजन का पावर ही पता नहीं चलेगा कि बाइक का कैपेसिटी नहीं पता चलेगा। इनके साथ लोग ना नीचे से शुरू करेगा तो आपको एक तरह होता है ना, हम लोग क्लास B1-2 करके पढ़ते हैं स्टेप बाई स्टेप, तो एक तरह से मज़ा आता है बाद में आपको सोच के भी ना, वैसे ही सेम है बाइक के ऊपर भी वही लागू होता है। सो अब अभी मेरा प्लान यही है कि एक बार एक और बाइक खरीदेंगे 400 cc के आसपास, उसको 2-3 साल चलाएंगे और उसके बाद ना बाइक का शौक भी पूरा हो गया। लाइफ में ना हर चीज़ एक एज के साथ करना चाहिए तो यही मानना है। सो गाइस अगर आप लोगों को ना अगर आपको बाइक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, DM भी कर सकते हैं। बहुत लंबी बात ही हो गया यार। ओके गाइस तो अभी ना बाइक तो चलाने का मन है लेकिन बाइक का टोकन टैक्स बहुत बढ़ गया है यार, ऑलमोस्ट इसका डबल हो गया। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने इसका कितना दिया था, 450, अभी कितना हो गया यार पता है आप लोगों को, 1000 रुपया हो गया। सो इसको चलाना, इसका मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल मुश्किल। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ हेलीपैड साइट, मुझे मेरा सेकेंड हेलमेट लेकर आना है सुनम के रूम से। सुनम के रूम से मुझे सेकेंड हेलमेट लेकर आना है तो अभी ना तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बाइक चलाने में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है। मेरा दांत तो ना वो क्या कहता है, बुद्धि बांगला कहता है नेपाली से, वो वाला दांत आ गया ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया लेकिन अभी तक भी सही नहीं हो रहा है। ऊपर से गले भी ख़राब है, गले भी दर्द कर रहे हैं, तो नहीं क्या हो गया यार। अभी अच्छे चीज़ भी होने बाकी है, अभी देखते जाओ आप लोग बाद में। चलो अभी सुनम के रूम जाके बात करते आप लोगों से। ओके गाइस सो सुनम का बाइक भी बेचने वाला है, सेल करने वाला है, तो आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या DM कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे। तो कति 3 साल पुगे यह बाइक पनि, 2 महीना पुराना बाइक है मेरे भन्दा, अन्त 2 महीना पुराना बाइक है। सो अब यो पनि बेच्ने रे गाइस, कसै तपाईँहरू किन्ने छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर किन्नु चाहिँ। V3 एकदम राम्रो छ, केही पनि भएको छैन, एकदम एकैजनाले मात्रै कुदाएको, अरूले कुदाएको पनि छैन, राम्रो छ बाइक किने पनि। अन्त अहिले म चाहिँ हेलमेट पाइरहेको छु सुनमकोमा, सो मेरो हेलमेट रिसिभ गर्नु थियो, अब यहाँदेखि निक्लेको गाइस। मिल्छ अब सबसे मोटो ब्लगिङ थोरै देखेँ बादमा, ओके गाइस। ओके गाइस तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सुनम को भी बाइक सेल कर रहा है,
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या DM में मैसेज कर सकते हैं। प्राइस वो खुद ही बताएगा कितना है। तो 3 साल ही हुआ है, R15 V3 है बाइक, 2022 मॉडल। सो 21 मॉडल होगा। सो बहुत अच्छा बाइक है, चलाने में भी मज़ा आता है। अगर आप लोग कोई इच्छुक है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम। ओके, मेरा बाइक भी सेल करना है अभी ना, 3 साल पूरे हो गया। तो अभी इंसान का डिज़ायर है कि क्या करे, बेचना तो पड़ता है। हर कुछ परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ टेम्परेरी है ज़िंदगी। हम खुद ही टेम्परेरी है, तो ये सामान भी तो क्या परमानेंट बने करे। लेकिन बहुत एक मशीन के साथ ना एक अलग सा अटैचमेंट होता है आप लोगों को। सो गाइस, अभी थंबनेल बनेगा बाइक इन सेल, सेल माई बाइक। क्या बनेगा थंबनेल वो भी नहीं पता यार। आज अचानक से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही बात कर रहा हूँ यार। दांत ऐसे दर्द हो रहे हैं, ऊपर से बोला भी नहीं जा रहा है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। सो एक दो चीज़ें ना, सरप्राइज आने वाला है ये महीने में। कुछ कुछ चीज़ें नए चीज़ आ रहे हैं, नए चीज़ के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं, नए जगह भी जाने वाला है। सो बहुत जल्दी आप लोगों को अपडेट मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।